गणेश श्री गणेश। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। ज्ञात नहीं पार्वती की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वो अपने पुत्र को इस नवीन शीश के साथ देखेगी। पार्वती नंदन के पुनः जीवन ने अंततः हम देवताओं को माता के कोप से रक्षित कर दिया। मेरे पुत्र को इस बार मैं स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगी। स्वामी स्वामी आशा करता हूं कि देवी पार्वती की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। माँ माँ ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। कौन है ये बालक? माँ माँ कौन विचित्र गजमुख बालक है जो मुझे माँ कहकर पुकार रहा है? ये तो मेरा पुत्र नहीं। मेरे पुत्र का सुंदर मुखड़ा तो मेरे हृदय में बसा है जिसे मैंने ही अपनी कल्पना से बनाया था। फिर ये बालक कौन है? जिसकी आशंका थी वही हुआ। माता अपने पुत्र को इस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। देवी पार्वती इस प्रकार लौट क्यों गई? क्या हो गया है उन्हें? Ah!
मैं आपकी सेवा करने आपको सुख देने आया हूँ। स्वामी, गजमुख पार्वती पुत्र का नवीन शीश तो गजमुख है। नहीं नहीं, ये अवश्य स्वामी की कोई लीला है। देवी पार्वती अपने पुत्र की पुरानी छवि के मोहवश अपने ही पुत्र को इस नवीन रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है, किंतु अपनी माँ के मुंह फैलने से इसके कोमल हृदय को आहत होने से बचाना होगा। पुत्र, तुम कुशल तो हो ना? आप? अब तुम्हारी उद्दंडता की अति हो चुकी है। मैंने तो तभी कह दिया था कि मैं किसी भी अवस्था में आपको इस रेखा के आगे नहीं जाने दूंगा। आपको तो मैंने भीतर जाने से रोकने के लिए आपसे युद्ध किया था ना? माँ का आदेश था कोई भीतर नहीं जाना चाहिए, और मैंने उन्हें वचन दिया था। मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। अपना वचन निभाया माँ, मैंने इन सभी को बहुत समझाया, किंतु ये तो अपने हठ पर अड़े थे। मैंने जो रेखा खींची थी उसे पार कर भीतर जाने के इन्होंने अनेकों प्रयास किए, किंतु मैंने किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया। जब आपने मुझे कहा था कोई भीतर नहीं आना चाहिए, तो फिर कैसे जाने देता मैं इन्हें? कैसे मान लूं कि यही बालक मेरा वो पुत्र जिसे मैं स्नान के पूर्व बाहर छोड़कर गई थी? पुत्र, तुम जिनसे युद्ध कर रहे थे वो सभी तुम्हारे अपने ही थे, किंतु अहंकारवश तुम किसी को पहचान ही नहीं सके। मुझे देखकर मेरा उपहास कर रहे थे, किंतु तुम मेरा वास्तविक परिचय नहीं पा सके, नहीं देख सके। इस जगत के रोम रोम में व्याप्त हूं मैं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं।
पिता, आप हैं मेरे पिता। पिता, संपूर्ण जगत मुझे जगत पिता कहकर पुकारता है, किंतु इस बालक के मुख से पिता पुकारा जाना तो मेरे लिए भी कितना सुखदाई है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। उठो पुत्र। आप ही मेरे पिता हैं, कि आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया पिताश्री? पुत्र, तुमने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया ही कहा। अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस, बस, बस। तब तो तुमने मुझे अनसुना कर मेरा अपमान किया। मेरा ही नहीं, संसार के रचयिता ब्रह्मदेव और जगत के पालनहार विष्णु देव का भी अपमान किया। हमसे व्यर्थ संघर्ष मत करो, मत करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। चले जाइए यहाँ से। संसार के सभी क्रियाकलापों के संरक्षक, धर्म कर्म में सहायक, सभी देवताओं का अपमान कर उन पर भी आक्रमण किया तुमने। इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, कुबेर, वरुण देव, सूर्यदेव, यमराज, नागराज, वासुकी, इन सभी पर अपनी माता से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग किया तुमने। तुम्हारे अहंकार के कारण, यही कारण था पुत्र कि मैं तुम्हारा शीश तुम्हारे शरीर से विलग करने पर विवश हो गया। और अब तुम्हें एक नवीन शीश प्राप्त हुआ है। नवीन शीश, अर्थात मेरे अहंकार के कारण मैंने सभी को कठिनाई में डाल दिया और पिताश्री को मुझे एक नवीन शीश देना पड़ा। पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे ऐसी उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और पिताश्री, अहंकारवश आपका अपमान करने के लिए आपसे भी क्षमा याचना करता हूँ। तो क्या इसलिए माँ मुझसे इतनी कुपित है? माँ की दी हुई शक्ति से पिताश्री के मान को ठेस पहुंचाने की उद्दंडता जो कर बैठा। किंतु माँ देखिए ना, अब तो मैं उद्दंड भी नहीं रहा, अपना अहंकार भी त्याग दिया मैंने, और जो भूल मैंने की उसके लिए सभी से क्षमा याचना भी कर ली। अब आप भी मुझे क्षमा। से अपना मुख क्यों फेर लिया? वो मुड़कर लौट क्यों रही है? प्रतीत होता है मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया माँ ने। वो तो मुझसे अब भी क्रोधित हैं। इस बालक को तो माता पार्वती ने अस्वीकार कर दिया, किंतु इसमें उनका भी क्या दोष? प्रश्न तो ये उठता है, क्या इस गजमुखी बालक का किसी भी माता द्वारा स्वीकार किया जाना संभव है?
असंभव। अभी उनके पास जाकर उन्हें मनाऊंगा तो माँ अवश्य मान जाएंगी। बहुत स्नेह करती है मुझसे, तो अधिक समय तक क्रोधित नहीं रह सकेंगी वो। तुम अपनी माँ के पास जाना चाहते हो ना पुत्र? जी पिताश्री। अवश्य जाना, किंतु उसके पूर्व एक बार अपने नवीन शीश के दर्शन तो कर लो। पिताश्री उचित कहते हैं, मुझे अपने नवीन शीश को तो देख ही लेना चाहिए। आओ पुत्र। इस सरोवर के जल में अपना प्रतिबिंब देख लो, आगे बढ़ो। शीश है, ये मेरा शीश नहीं हो सकता। आपका पुत्र तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे सुंदर बालक बना दूंगी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सृष्टि का समस्त ज्ञान दूंगी। ऐसा शीश कैसे हो सकता है मेरा? मेरा ये मुख पृष्ठ, मेरे ये बड़े बड़े कान और ये सूंड, सूंड तो गज धारण करते हैं ना पिताश्री। मेरा ये सुंदर शीश गज के शीश में कैसे परिवर्तित हो गया पिताश्री? पुत्र, मेरा त्रिशूल अहंकार का नाश करने में कोई भेद नहीं करता। तुम्हारे मस्तिष्क पर अहंकार हावी हो गया था। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं, नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बहरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। जिसे नष्ट करने के लिए मेरे त्रिशूल ने तुम्हारे शीश को तुम्हारे तन से विलग कर दिया, और जिसे मेरा त्रिशूल भस्म कर दे उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। किंतु तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाने के लिए इतना त्याग किया था, इतनी कठोर तपस्या के बाद विष्णुदेव से वरदान प्राप्त कर तुम्हें जीवन दिया था। विष्णुदेव के वरदान की मर्यादा के लिए तुम्हारी माँ की पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा को साकार बनाने के लिए और भविष्य में तुम्हारे द्वारा होने वाले जगत कल्याण के लिए तुम्हें दूसरा शीश देकर पुनर्जीवित तो करना ही था पुत्र। किंतु उसके लिए हमें गज शिशु का ही शीश प्राप्त हुआ। अपनी माँ के लिए तो मैं संसार का सबसे सुंदर बालक हूँ। ओह, समझ आया, मेरे इस नवीन रूप के कारण ही मुझसे दूर हो रही है माता। पिताश्री, माँ को तो मेरा वो पिछला रूप ही प्रिय है। अब मैं उनका सुंदर पुत्र नहीं रहा, इसीलिए वो मुझसे बात किए बिना, मेरा अभिवादन भी स्वीकार किए बिना, मुझे देखे बिना, कुछ कहे बिना ही लौट गई। नहीं पुत्र, माता के हृदय में संतान के प्रति आघात स्नेह रहता है पुत्र। तुम्हारी माता भी अपने पुत्र से अपार प्रेम करती है,
और तुम्हारे शीश में परिवर्तन होने के बाद भी तुम उनके वही पुत्र हो, विश्वास रखो। समय के साथ वो तुमसे पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक स्नेह करेंगी। वो तुम पर अपना संपूर्ण वात्सल्य उड़ेलेगी। अनंत काल तक तुम्हारा ये नवीन मुखी सदा के लिए उनके हृदय में वास करने वाला है पुत्र। और तुम भी अपने शीश के विषय में विचार करोगे तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि ये हर प्रकार से तुम्हारे पूर्व के शीश से कहीं उत्तम है। उचित है पिताश्री, मैं अवश्य विचार करूंगा, मुझे आशीष दीजिए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भवा। पिताश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अब जाकर माँ से मिल लूं। अवश्य। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है। अब मुझे अपनी माता को मनाना ही होगा।